असलम डियर स्टूडेंट्स वेलकम अगैन ओके सो हमारा जो टॉपिक ऑलरेडी जो चल रहा है दैट्स अबाउट द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूम ओके सो इससे पहले जो मैंने बताया था कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है कि प्यूबर्टी के बाद प्यूबर्टी अटेंट्स के बाद ह्यूमन फीमेल्स में अगर फर्टिलाइजेशन होगी मीन्स दैट इफ इट रिसीव द बी कैरी टू फेलोफियन ट्यूब देन द कंसेप्शन टेक प्लेस और द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस वॉट विल है तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सो टूडे विल डिस्कस इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस वट्स गोइंग टू दिन नेक्स्ट क्या हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगा देखिए कहते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना ड्यू टू द लैक ऑफ स्पर्म्स सो इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक टेक प्लेस व्हाई बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ स्पर्म्स देन वट्स गोइंग टू द हैपन हो जाएगा क्या एग को सो यू विल जस्ट फाइंड दैट द एग विल बी रिलीजड बाय द ओई डाइज विद इन अ फ्यू डेज इट मीनज दैट इट डाइज विद इन द फ्यू डेज एंड द थिक लाइनिंग ब्रेक्स डाउन तो क्या हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगी ना तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी वंस द एग विल भी रिलीजड बाय द ओलेशन इन दैन अल्टीमेटली इट विल बी एम्बेड इन द यूट्रस मीनस इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस वॉट्स गोइंग टू दैपन हो जाएगा क्या एग को द एग इज रिलीजड बाई द ओरी डाइज विद इन दू नो दैट विद इन फ्यू डेज तो ये एग की डैथ हो जाएगी फ्यू डेज में और उसके बाद जो लाइनिंग है थिक लाइनिंग ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि थिक लाइनिंग दैट्स बींग लेड डाउन फॉर द दैट्स बींग लेड डाउन बाय द यूट्रस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द द और फॉर सो दी जस्ट कॉल इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द फर्टिलाईज एग सो दैट द एग विल कम डाउन एंड द डेवलपमेंट इट्स न्यूरिशमेंट एंड द डेवलपमेंट विल टेक प्लेस इन द यूट्रस तो अगर नहीं हो जाता है तो क्या हो जाएगा तो यू नो दैट दिस थिक लाइनिंग ब्रेक्स जो ये थिक लाइनिंग है एग के साथ ये ब्रेक हो जाएगी दिस थिक लाइनिंग ये थिक लाइनिंग एग के साथ ब्रेक हो जाएगी सो वी जस्ट कॉल दैट थिक लाइनिंग ऑफ दिस यूट्रस विच इज फाइंड दैट सिंस थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इट कंटेनज द लॉट ऑफ ब्लड इसमें बहुत सारा ब्लड होता है ठीक है कंटेन्स द लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स इवन दो सो इट विल ब्रेक डाउन Okay, it will break down coming uh, lining uh, produces blood along with the tissues. So, this blood along with the tissues then comes out, flows out through the vagina, which we usually called as a menstrual flow or we just called as a menstrual cycle. So, this blood and other tissues that come down, that come down out of vagina in a, in a vagina in a woman in the form of bleeding, in the form of bleeding. So, b this is to be called as then this is to be called as. This bleeding from the uterus which occurs in a woman okay it occurs in every month we know that we know that it occurs in every month in a woman so if it happens ye tab ho jaega, jab fertilization so what's going to happen that the bleeding so what's a bleeding bleeding is simply the egg Isme jo egg hai, the lining the blood lining okay the mucus that will come down.

the blood and the other tissues come out of the vagina in the form of bleeding this bleeding out uh, through the vagina. It is to be called as the bleeding from the uterus which occurs in the woman is called as menstrual flow or it's called as menstruation. It's called menstrual flow or menstruation menstrual flow and menstruation. So this menstrual occurs once in a month. That's about uh, ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज में एक बार मंथ में एक बार हो जाता है वंस इट टेक्स प्लेस वंस इन अ मंथ लेकिन वंस इन अ मंथ में हो जाता है तो हम यह कहते हैं कि ऑकर्स एवरी ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज तो हर ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज के बाद होता है वाई बिकॉज द ओलेशन दैट्स ओलेशन टेक प्लेस एंड ओलेशन ऑकर्स आफ्टर ट्वेंटी टू एट थर्टी डेज तो ओलेशन हो जाती है कब तो ओलेशन हो जाती है ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज के बाद और जब ओलेशन होगी अल्टीमेटली जब फर्टिलाइजेशन ओलेशन के बाद एग वेट करेगा फर्टिलाइजेशन के और फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगा तो एग की डेथ हो जाएगी एग की डेथ हो जाएगा तो ये प्रोसेस वेट uh, करेगा स्टल करेगा ट्वेंटी एट डेज ट्वेंटी फाइव टू एंट सेवन डेज तक और ट्वेंटी सेवन डेज के बाद ये लाइनिंग अलॉन्ग विद द एग एंड द म्यूक्स फ्लो होना शुरू हो जाएगा सो वी जस्ट कॉल्ड इट्स अ मैनस्ट्रल फ्लो इन अ अनेस्टुरल फ्लो ठीक है या yeah. इन एवरी डे लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड इट्स मैनस्ेशन मैनचुरेशन उसे बोलते हैं और चूंकि ये साइकिलिक प्रोसेस है एवरी मंथ हो जाता है आप इसे बोलते हैं विच इज़ आल्सो जस कॉल्ड इज अस्टुर साइकिल बिकॉज इट रिपीट आफ्टर मंथ आफ्टर ट्वेंटी एट डेज आफ्टर एवरी ट्वेंटी एट डेज ऑफ मंथ हर ट्वेंटी एट डेज के बाद ये साइकिल ये पीरियड uh, रिपीट हो जाता है सो विच इज कॉल्ड इट अचुरल साइकिल और दिस मैनस्र दिस मैनस्टुरल फ्लो यूजली लास्टस थ्री टू फाइव डेज तो ये मैंसुअल फ़्लो हो जाना है इट यूजअली लास्टज फॉर थ्री टू फाइव डेज तकरीबन थ्री टू फाइव डेज तो आप ये समझिएगा कि ये मिनिमम ये यह फ्लो मिनिमम तीन दिन या मैक्सिमम फाइव डेज तक रहता है तो आप ये कहेंगे ये कहेंगे विल जस्ट कॉल दैट दिस मैन्सुअल फ्लो और ब्लीडिंग द एग द म्यूक्स द लाइनिंग ऑफ ब्लड इट विल कंटिन्यू टू फ्लो फ्रॉम यूजअली कंटिन्यूज टू फ्लो थ्री टू फाइव डेज ओके थ्री टू फाइव डेज थ्री टू फाइव डेज तक होता है लेकिन तो थ्री टू फाइव डेज लेकिन ये बात करते हैं आप कि द फर्स्ट मैंशन वन द प्यूबर्टी इज अटेंड बाय द गर्ल जब एक गर्ल प्यूबर्टी अटेंड करती है ट्वेल्व या थर्टीन ईयर्स uh, के बाद जब उसका प्यूबर्टी uh, अटेंड हो जाता है द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ दिस मैं Menstruation at the puberty it is to be called as min Yaad kega. the first menstrual flow or the first menstruation in females when a female attains the puberty it is to be called as min Isa So we just called as it is to be called as menarche Usually me I bleeding of the uterus which occurs in a woman is called a menstrual flow or menstruation. It usually occurs once in twenty-eight to

ट्वेल्व एड थर्टीन ईयर्स की बात होती है ट्वेल्व एट थर्टीन ईयर्स के बाद पहला जब ये पहला मैंसुअल साइकिल उसकी लाइफ का हो जाता है सो वी जस्ट कॉल्ड इट मिन आच मिन आच इट्स कॉल्ड मिन आच ओके मिन आच सो फर्स्ट मैनचुअल साइकिल इन फीमेल्स इज टू बी कॉल्ड एज मिन आर्च सो मिन आच कहते हैं तो मैंने अभी भी कहा कि मिन आच इज अगिनिंग ऑफ ए रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल चूंकि ये एक बिगनिंग है शुरुआत है रिप्रोडक्टिव फेज की ओके okay? Uh, means that now in other words menarche. we can say it's a time from which a girl becomes capable of having the baby she is capable of having the baby she is capable of uh, having the process of fertilization so usually menstruation stops temporarily when i just called it it usually stops uh, temporarily uh, uh, temporarily stop ho stop when a woman becomes pregnant jab woman pregnant ho तो ये मैंसुल फ्लो स्टॉप हो जाता है कि इसके कब तक जब जब तक न पाचूरेशन हो जाए तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि टेम्प्रेरी स्टोरेज टेम्प्रेरी स्टॉपेज वंस तो ये साइक्लिक प्रोसेस है ओलेशन हो गया ओलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मैंसुल मैसुल फ्लो हो जाएगा चाहे आप मैंसुल साइकिल हो जाता है तो आप मैंसुल साइकिल कहते हैं तो मैंने कहा वंस इन मंथ ट्वेंटी एट डेज़ के बाद हो जाएगा ब्लीड लॉस्ट करेगा थ्री टू ब्लीडिंग जो है वो लॉस्ट करेगा थ्री टू फाइव डेज तक ओके okay, गुड तो मैंने कहा लेकिन ये टेम्प्रेरी स्टॉपेज हो जाता है तो इसकी स्टॉप हो जाती है टेम्प्रेरी साइकिल विल स्टॉप व्हेन व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म्स फ्यूज uh, करेंगे एग के साथ तो ये स्टॉप करेगा टेम्प्रेरी स्टॉप करेगा मीन्स दैट जब उसे कहते हैं टेम्प्ररी स्टॉपेज वन द टेम्प्ररी स्टॉप वन द टेम्पररी द प्रोसेस विल स्टॉप टेम्प्रेरी फॉर अबाउट नाइन मंथस तो दैट दैट वी जस्ट कॉल्ड इज अ प्रेगनेंसी उसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी फीमेल इज टू बी कॉल्ड एज प्रेगनेंट और वी जस्ट कॉल्ड इज अ प्रेगनेंसी और लेकिन प्रेगनेंसी के बाद पीरियड पाचुबरेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद पाचुब्रेशन हो जाएगा उसके बाद तो फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा फीमेल में तो वी जस्ट कॉल दैट मैं द बर्थ ऑफ द बेबी जब एक बेबी की बर्थ हो जाएगी तो बर्थ बेबी ऑफ बर्थ के बाद ये मैं साइकिल जो होगा मैं जो होगा ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा फीमेल्स में सो बट वी कॉल दैट यूजअली द मैन्न स्टार्ट पर्मांटली वन अ वमेन रिचेज द एज अबाउट फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ईयर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये प्रोसेस साइकिलिक प्रोसेस आफ्टर ट्वेंटी एट डेज के बाद हो जाता है आफ्टर ट्वेंटी एट डेज के वन से ए मंथ हो जाता है लेकिन मिन आज से लेकर प्यूबर्टी से लेकर प्यूबर्टी से लेकर ट्वेल्व ईयर से लेकर थर्टीन ईयर फीमेल से लेकर फोर्टी फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ईयर्स तक तो एक फीमेल जब 12 ईयर की हो जाती है ना तो इसके स्टार्ट स्टार्ट हो जाता है पहला मैनुचल साइकिल दैट शुड बी कॉल्ड एज मिन आज तो इस ट्वेल्व या थर्टीन ईयर के बाद एक फीमेल में ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होती है टिल शी अटैनज द एज ऑफ फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ईयर्स ओके सो फर्स्ट मीन दैट फ्रॉम द फर्स्ट मिन आज टिल शी अटेन्स द एज ऑफ फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ईयर्स द प्रोसेस इट्स टिल दैट प्रोसेस विल इट्स अ दैटेस आई मीन से दैट इट विल इट्स अ प्रोसेस और स्टॉप कब हो जाएगा इस पीरियड में स्टॉप कब हो जाएगा टेम्प्रेरी स्टॉप कब हो जाएगा जब फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद हम कहते हैं कि कंसीव uh, होगा तो कंसेप्शन के बाद वो वी कॉल्ड एज अ वूमन एज अ प्रेग्नेंट वुमेन और उसके बाद जब नाइन मंथस होंगे बेबी डिलीवर हो जाएगा बेबी डिलीवर के बाद डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद फिर से ये साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो लेकिन ट्वेल्थ से लेकर ट्वेल्व uh, ये तो साइकिल स्टार्ट होगा ट्वेल्व से स्टार्ट होगा ट्वेल्व से लेकर फोर्टी फाइव और फिफ्टी तक लेकिन फोर्टी फाइव ईयर्स के बाद फोर्टी फीमेल्स में फोर्टी फाइव ईयर्स के बाद या फिफ्टी ईयर्स के बाद इसकी परमानेंट स्टॉपेज हो जाएगी तो ये परमानेंट स्टॉप हो जाएगा परमानेंट स्टॉप हो जाएगा मीन्स दैट उसके बाद कोई भी मैनचुर साइकिल कोई भी ओलेशन नहीं होगा कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा कोई भी वुमन इज़ नॉट एबल टू वुमन इज़ नॉट एबल टू आर मीन्स दैट शी इज़ नॉट became a capable became a capable of having the baby after uh, that's 45 to 50 years so this permanent stoppage of menstrual menstruation or this menstrual flow in the woman it is to be called as menopause menopause okay so this uh, permanent stoppage of woman the permanent stoppage of menstrual cycle or menstruation menstruation in a woman it's to be called as menopause is a menopause यहाँ पे दो बातें में हमने इसे की पहली कि जब स्टार्ट हो जाएगा एट द एज ऑफ ट्वेल्व और एट द एज ऑफ थर्टीन इट इज द स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन फीमेल्स जब पहला मैंसुर साइकिल और मैंसुरल फ्लो हो जाएगा दैट इज टू कॉल्ड एज मिन आज उसे हम मिन आज कहते हैं मिन आज ओके okay? तो उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा टिल शी अटैनज द एज ऑफ कब तक जब वो अटैन करेगी एज ऑफ फोर्टी फाइव एक फीमेल एज करेगी फोटी फाइव टू फिफ्टी ईयर्स तो यहाँ तक एक फीमेल इज एबल और केपेबल ऑफ हैविंग द बेबी लेकिन फोर्टी फाइव और फिफ्टी ईयर्स के बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा लेकिन जब यह प्रोसेस परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा टेम्प्रेरी नहीं पर्मांटली स्टॉप हो जाएगा सो हम ये कहेंगे इट इज़ टू बी ना एज और शी एज अटेन एट द एज वीच जस कॉल्ड एज This permanent stoppage of men, 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 menstruation, menstruation, it's to be called as menopause. इसे हम menopause कहते हैं। So it's a menopause, ठीक है? When permanent stoppage हो जाएगा, तो we just call as a menopause. हम menopause कहते हैं। तो ठीक। So menopause occurs, मैंने कहा अभी किस woman में हो जाता है कि कब हो जाता है? जब एक female 45 to 50 years की हो जाती है। Then we call that a woman ओलेशन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा एंड कैन नो लॉन्गर बिकम प्रेगनेंट दैट्स आई जस्ट मैंशन दैट कि नहीं हो जाएगा अब इसकी नहीं हो जाएगा सो वे कॉल एज द मेनो लाइक वी जस्ट कॉल द मिन आर्च इज़ द हम जब कहते हैं कि मिन आर्च इज द इंसेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इन द फीमेल और इट इज द इंसेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इटेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इट्स इंसेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल लेकिन मिनोपॉ को कहते हैं एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वमेन अगर हम मिन आर्च को कहते हैं इंसेशन इफ यू जस्ट कॉल्ड एज आर्च एज इंसेशन बट मिनोपॉ को हम कहेंगे स्टॉप और इट इज द एंड मिन आर्च इज इंसेशन स्टार्ट वर मिनोप इज एंड मिनोपाज इज एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ एंड मिन आज इज द इनसेशन इज द एंड सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वन स्टार्ट एट द मिन आज एंड एंड एट द मिनोप हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार्ट होता है मिन आज और स्टॉप होता है मिनोपास में तो हो गई बात मिनोपास

Uh, breaking down has caused the bleeding on the woman okay uh, initially the menstrual cycle in the girls it, it, it may be an irregular it may be an irregular it may be 20 to 30 days now then it becomes regular after some time so we just called the menstrual cycle it's controlled by that of the hormones to hormones i control karte. so this was uh, uh, ye tha about the menstrual cycle or ye tha process a fertilization females many yoga so what what what's going to happen क्या हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा सो फाइनली बता दिया है कि इट्स अ प्रोसेस द प्रोसेस टू बी कॉल्ड एज और मैनुचुर साइकिल सो डियर स्टूडेंट्स इन द कमिंग लेक्चर हम पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोजोम के बारे में और हाउ इज़ द सेक्स ऑफ ए बेबी इज डिटर्माइनड कि हम या सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल या बेबी ऐसे कहते हैं कि कैसे हम उसको डिटरमाइन करेंगे या वी विल डिस्कस ऑलसो अबाउट द सेक्स हारमोन सो थैंक यू